हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी अल्फा चोंगफा चार्ल्स जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था और जो नाम उन्होंने मुझे दिया था लियोनार्ड वर्सेस थॉमस लाउड, इस तरह की कोई गेम मुझे नहीं मिली। लेकिन मुझे जो गेम मिली है फ्रेंड्स, मेरा अंदाज़ा है, अनुमान है कि शायद इसी गेम के बारे में चार्ल्स जी ज़रूर मुझसे कह रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये गेम खेली गई थी सन 1861 में और खेलने वाले खिलाड़ी थे जेम्स ए लियोनार्ड और विलियम्स जी थॉमस। आई थिंक मैं सही गेम के ऊपर हूँ, अगर नहीं हूँ तो मुझे चार्ल्स भाई ज़रूर रिप्लाई करके बताएं। तो वैसे ये गेम भी काफ़ी एक्साइटिंग है, तो आइए फ्रेंड्स सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की लियोनार्ड ने e4 के साथ, तो e5 यहाँ थॉमस ने किया। नाइट f3 तो d6, d4 e takes d4, queen takes d4, देन नाइट f6 स्क्वायर पर फिलिडोर डिफेंस की कंपोजिशन है। यहाँ नाइट c3 पहले वाइट ने किया, तो बिशप e7 स्क्वायर पर बिशप e3, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। ब्लैक ने शॉर्ट साइड और वाइट ने लॉन्ग साइड। नाइट c6 तो क्वीन गई d2 स्क्वायर पर, क्वीन को डिफेंस किया अपने। बिशप d7 तो बिशप d3, a6 तो h3, देन b5। और जिस तरह की गेम है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक अपने इन पॉन्स को आगे बढ़ाकर ही इस गेम को कंटिन्यू करेगा और ओपोजिट साइड कैसलिंग में यही प्रॉब्लम है। यहाँ वाइट की भी कोशिश यही रहेगी कि किसी तरह से वो अपने पॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचा पाए। नाइट d5 यहाँ पहले वाइट ने किया, तो नाइट टेक्स d5, e takes d5, नाइट के ऊपर अटैक बनाना, तो नाइट या e5 स्क्वायर पर, तो नाइट टेक्स e5, d takes e5, देन f4। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ब्लैक को इस पॉइंट पर पॉन एक्सचेंज कर लेने चाहिए थे, लेकिन करते हैं तो भी प्रॉब्लम है। पर बिशप d6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, तो f5, और यहाँ आप देख सकते हैं कि गेम किस तरह की बन चुकी है। तो क्वीन गई e7 स्क्वायर पर, ब्लैक की प्लानिंग यही है कि वो इस पॉन को आगे पुश करे e4 स्क्वायर पर ताकि बिशप पर अटैक बने और उसके बाद यहाँ ये f5 पॉन अनडिफेंडेड हो जाए। तो g4 यहाँ पहले वाइट को करना ही पड़ा, देन f6, h4, और जो कुछ यहाँ मेरे ख्याल से मेरी नज़र में वाइट को चाहिए था वो बिना मांगे ही मिल चुका है। a5, g5 तो a4। वैसे अभी भी यहाँ ब्लैक के पास इस ई पॉन को आगे पुश करने की ऑप्शन थी, लेकिन a4 का मतलब यहाँ ब्लैक भी काफ़ी अग्रेसिव खेलना चाह रहा है। h5 तो b4, शायद यहाँ ब्लैक को रुकना चाहिए था। जब ये तीन कनेक्टेड पॉन्स इतनी आगे आ चुके हैं तो उसे यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा संभल कर करने चाहिए थे, लेकिन अब यहाँ वाइट को मौका मिला है h6 करने का। तो ब्लैक अब यहाँ क्या करे? मेरे ख्याल से जी पॉन भी आगे पुश हो सकता था, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। यहाँ b3 भी किया जा सकता था, और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो a3 वाइट को करना ही होगा। देन e4 बिशप पर चलो अटैक बना भी लिया, तो h takes g7 रुख पर अटैक होता तो रुख को हटना ही होता, रुक जाता e8 स्क्वायर पर, देन g takes f6 दोबारा क्वीन पर अटैक होता, क्वीन टेक्स f6, देन उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि बिशप हट सकता था। और आगे क्या क्या होने वाला है फ्रेंड्स, आपको यहाँ देखकर समझ में आ ही रहा होगा। पर यहाँ इस पॉइंट पर थॉमस ने किया था रुख b8, और उनका पूरा ध्यान यहाँ वाइट को चेकमेट करने पर, अपने अटैक पर ध्यान है। लेकिन लियोनार्ड के पास यहाँ दो ऑप्शंस है। पहली ऑप्शन है कि जी पॉन से f5 का पॉन लिया जाए, या फिर यहाँ ये g7 पॉन को लिया जाए। दोनों ऑप्शन को एक बार कंसिडर करते हैं। यहाँ अगर g takes f6 होगा तो क्वीन टेक्स f6 होगा, देन रुक g1 स्क्वायर पर आ जाएगा, और ये पोजीशन मेरी नज़र में तो बहुत डेंजरस होने वाली है, एटलीस्ट ब्लैक के लिए। तो शायद लियोनार्ड को यही करना चाहिए था, लेकिन लियोनार्ड ने यहाँ किया h takes g7। और बताने की शायद ज़रूरत नहीं है कि कितनी डेंजरस पोजीशन यहाँ ब्लैक के लिए बन चुकी है। b3, और शायद अभी भी यहाँ थॉमस अपने उस अटैक में मशगूल हैं। मेरी नज़र में तो वाइट का अटैक यहाँ कंप्लीट हो चुका है, क्या खेला जाने वाला है। क्योंकि यहाँ अब मान लो अगर यहाँ वाइट करे क्वीन h2, तो उसके बाद क्वीन टेक्स g7 होगा, देन g takes f6 होगा, और यहाँ ये क्वीन पर अटैक बनेगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला इस गेम में। पर जब यहाँ थॉमस ने g3 किया, तो a3 पहले यहाँ वाइट ने किया, देन बिशप टेक्स a3। और फ्रेंड्स, बिशप टेक्स a3 आप अगर यहाँ देखें तो इस अटैक में बहुत कुछ नज़र आता है, लेकिन क्या ज़रूरत है इस बिशप को लेने की जब यहाँ वाइट की गेम पहले ही ऑलरेडी बहुत अच्छी है।
वाइट ने यहाँ किया C4 पहले, ताकि किसी भी तरह से आगे पॉन ना लिया जा सके। वैसे यहाँ अगर लियोनार्ड चाहते तो अपने अटैक पर ही कंटिन्यू कर सकते थे। बिशप टेक्स B2 चेक, कोई फ़ायदा नहीं है। क्वीन टेक्स B2 देन A3, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन अपने डेस्टिनेशन पर गई H2 स्क्वायर, और यहाँ क्या कहूँ मैं, चेकमेट की थ्रेट है। तो अब थॉमस यहाँ क्या कर सकते हैं, H6 की ऑप्शन कैसी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वीन टेक्स H6 हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। बल्कि क्वीन टेक्स G7 होगा तो फिर क्या होगा, क्वीन टेक्स G7 चेक, किंग टेक्स G7, जी टेक्स F6 चेक, किंग टेक्स F6। अगर इसी वेरिएशन में हम आगे बढ़ें तो रुक H6 चेक होगा, किंग कहाँ मूव होगा, किंग जाएगा F7 स्क्वायर पर ही जाएगा, रुक H7 चेक होगा और यहाँ ये बिशप पर अटैक बनेगा। और फ्रेंड्स अब यहाँ वाइट क्या कर सकता है, किंग को अगर मान लो मूव करे तो उसके बाद बिशप C5 चेक हो जाएगा, किंग जाएगा E8 स्क्वायर पर। मेरी नज़र में तो फ्रेंड्स मैं क्या कहूँ, ये गेम में कुछ बचता नहीं है ज़्यादा खास यहाँ। तो लियोनार्ड के पास ऑप्शंस बहुत हैं। यहाँ थॉमस ने किया क्वीन टेक्स G7, तो जी टेक्स F6, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई F7 स्क्वायर पर, क्योंकि यहाँ ये चेकमेट भी तो बचनी है। रुक एट डी गोज टू G1 विद चेक, अब किंग कहाँ जाए, अगर ये किंग जाए F8 स्क्वायर पर तो ये गेम यहीं ख़त्म हो सकती है। क्वीन टेक्स H7, क्वीन टेक्स H7, रुक टेक्स H7, बिशप पर अटैक होगा। और चलो इस बिशप को मान लो ब्लैक ना भी बचाए, वो यहाँ करें B2 चेक, तो किंग कहाँ जाएगा, किंग S2 स्क्वायर पर जाएगा जहाँ उसे चेक ना आए। तो मान लो D2 स्क्वायर पर भी जाए, क्योंकि यहाँ अगर एक कदम ऊपर जाएगा तो क्वीन प्रमोट हो जाएगी, और लेकिन फ़ायदे में वाइट ही रहने वाला है। तो B1 इक्वल्स नाइट हो सकता है, यहाँ ब्लैक नाइट प्रमोट कर ले, किंग मूव हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, A2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिशप H6 चेक होगा, किंग E8 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन रुक G8 चेक, और ये मेट, चेक मेटिंग पैटर्न वाइट ने बहुत शानदार तैयार किया हुआ है। तो F8 स्क्वायर सेफ नहीं है यहाँ ब्लैक के लिए। ब्लैक ने यहाँ किया किंग H8, अपने किंग को H8 स्क्वायर पर रखा, तो रुक G7, और फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि चेक मेट की थ्रेट है। तो B2 चेक कोई फ़ायदा नहीं है, किंग है D2 स्क्वायर पर, देन B1 इक्वल्स नाइट, यही नाइट प्रमोशन यहाँ थॉमस ने की थी। तो अब वैसे मेरी नज़र में तो किंग ही मूव हो जाता, ज़्यादा बेटर था, E1 स्क्वायर बिल्कुल सही था, आगे कोई चेक भी नहीं आती, क्वीन टेक्स G7 करना ही होता, F टेक्स G7 चेक होता, किंग टेक्स G7 हो जाता, क्वीन टेक्स H7 चेक होता, किंग F8 स्क्वायर पर जाता, देन बिशप C5 चेक, किंग जाता E8 स्क्वायर पर, देन क्वीन E7 चेक, और ये मेट। लेकिन यहाँ लियोनार्ड ने इस नाइट को ही लिया, बिशप टेक्स B1, तो रुक B2 चेक, तो बिशप बीच में आ गया C2 स्क्वायर पर, रुक टेक्स C2 चेक, किंग टेक्स C2। यहाँ ब्लैक ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि बिशप टेक्स F5 चेक करने के बाद यहाँ इस H7 पॉन का डिफेंस हो गया है, किंग गया C3 स्क्वायर पर, लेकिन फ्रेंड्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वीन टेक्स F6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, तो क्वीन टेक्स H7 चेक, क्योंकि यहाँ ये दूसरा रुक इस H7 स्क्वायर पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ब्लैक खैर क्या करेगा, ब्लैक ने किया ही है बिशप टेक्स H7, लेकिन फाइनल मूव था जेम्स लियोनार्ड का रुक टेक्स H7 चेक, और यहाँ ये मेट। फ्रेंड्स 2 रुक चेकमेट बहुत कम देखने को मिलती है, और ख़ासकर इस तरह से कि दोनों रुक से एक साथ हों और ब्लैक का ओपोनेंट का किंग एक कॉर्नर में ट्रैप हो चुका हो, कमाल की गेम। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है ये विंटेज गेम आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।